यस स्टार्ट हो गया। बताओ कल क्या पढ़ा था हमने? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, करेक्ट है। कल हमने क्या रिडम्पशन पे सेक्शन 55 पे डिस्कशन किया था। आज उसी बात को थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये मैंने जो बकवास की थी वो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ना वापस। हाँ वापस एक बार अच्छी तरह से रिस्पॉन्स करोगे, स्कूल में जाते हो बच्चे की तरह नहीं बोलोगे, ठीक है ना? अच्छी तरह से बोलोगे, मैच्योर्ड किड्स की तरह बोलोगे। अच्छा ऐसा बता, मैं से बताता हूँ कैसे बोलना है, ठीक है ना? हाँ 10% 10,000 रिडीमेबल प्रेफरेंसेस और रुपीज 100 ईच। 100 को क्या कहते हैं? 100 क्या है? 10 लैक्स क्या है? 10 लैक्स को क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी कहते हैं क्या? इसे नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं क्या? वेरी गुड। फर्स्ट मेथड का नाम क्या है? फ्रॉम दी प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू, रिडम्पशन फ्रॉम दी प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू। रिडम्पशन करना है तो हम क्या करेंगे? फ्रेश इश्यू करेंगे। क्या करेंगे? फ्रेश इश्यू करेंगे। अभी लिखना चालू करो। बहुत अच्छे बच्चे। बच्चों आप मुझे ये बता पाओगे कि ये मुझे रिडीम करना है, ये वाले प्रेफरेंसेस मुझे रिडीम करने हैं, उसकी रिडम्पशन की एंट्री क्या आएगी? हेलो, मैं ये सोचा था कि मैं लिखूंगा लेकिन आपने तो रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्या इस मुझे 10,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है? अच्छा मैंने यहां पे रिडीमेबल वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि इंडिया में ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू होते नहीं है। तो मुझे बताओ, मुझे इन प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है तो मैंने कल रिडम्पशन की एंट्री सिखाई थी, करेक्ट है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बताओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में जनरली कौन सी वैल्यू आती है? बेटा एक बात याद रखना, आप लोग है ना मेरा दिमाग खराब कर दोगे। कल मैंने ये एंट्री सिखाई थी ना आपको, ये सब सिखाया था कि शेयर्स इश्यू करेंगे तो क्या एंट्री आएगी, रिडीम करेंगे तो क्या एंट्री आएगी। मैंने यहां पे भी बकवास किया था कुछ कि किसी भी पर्सनल अकाउंट को पेएबल है तो पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। अरे यस और नो? तो और याद रखना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल में जनरली कौन सी वैल्यू जाती है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड, इट शुड बी पेड अप वैल्यू। इट शुड बी पेड अप वैल्यू। स्वाति और सुधा सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ। बहुत नींद आ रही है? अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते ना बेटा। हाँ अरे तुम ना फालतू के टाइम पास करोगे। हाँ आगे बढ़ो। मुझे बताओ रिडम्पशन फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू, मुझे इन प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है। मैंने कल ही कहा था रिडम्पशन इज नथिंग बट कैंसिलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अरे यस और नो? मतलब जब हम शेयर्स इश्यू करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो जब शेयर्स रिडीम, हाँ जब पैसा लिया तो क्या पैसा देंगे? पैसा देंगे तो क्या एंट्री रिवर्स हो जाएगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इन अदर वर्ड्स रिडम्पशन इज नथिंग बट कैंसिलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एम आई करेक्ट? तो बताओ एंट्री कैसे पास करोगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। याद रखना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जनरली कौन सी वैल्यू आती है? फेस वैल्यू। मैंने वर्ड जनरली यूज किया है, कौन सा यूज किया है? और इस अजम्पशन के साथ वर्ड यूज किया है कि फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? पेड अप वैल्यू। तो क्या यहां पे टोटालिटी में लिखोगे क्या? बताओ टोटालिटी में फेस वैल्यू कितनी है? 10 लाख। यू ऑल अग्रीड विद दिस? ये किसको पेएबल है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो किसी भी पर्सनल अकाउंट को पेएबल है तो क्या पर्सनल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए? इसमें कोई भी दिक्कत? नेक्स्ट एंट्री क्या पास करोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 10 लाख टू जो बैंक अकाउंट, क्रेडिट कितने से होगा? 10 लाख। इसमें किसी को भी डाउट या कंफ्यूजन? ओके, अब मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। मेथड नंबर वन क्या कहता है कि अगर आपको रिडम्पशन करना है तो फ्रेश इश्यू कर दो। क्या कर दो? फ्रेश इश्यू। फिर कल की बात कनेक्ट कराता हूं। कंपनी ने डिसाइड किया कि वो 1 लाख इक्विटी शेयर इश्यू करेगी ऑफ ₹10 ईच। कंपनी कितने इक्विटी शेयर इश्यू करेगी? 1 लाख इक्विटी शेयर इश्यू करेगी ऑफ ₹10 ईच। तो बताओ क्या 10 लाख रुपीज के इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएंगे क्या? इक्विटी शेयर इशू किया, पूरा ₹10 एप्लीकेशन पे ही ले लिया। पूरा ₹10 किस पे ले लिया? एप्लीकेशन पे। बताओ एंट्री क्या आएगी? क्या बैंक पे पैसा आया? बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा? 10 लाख। मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो बच्चा। क्या ये फर्स्ट एंट्री से जो मैं क्वेश्चन पूछू उस पर आंसर करना, क्या ये फर्स्ट एंट्री से क्या एक कैपिटल कैंसिल हो गई
और क्या ये वाली एंट्री, हाँ इससे पैसा गया और क्या इससे पैसा आया, और ये कैपिटल, हाँ सॉरी, क्या यहाँ पे एक कैपिटल क्रिएट हो गई, क्या कैपिटल क्या हो गई क्रिएट, मैंने कल ही आपको सिखाया था, कल क्या सिखाया था ये बात को ध्यान दो। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, मैं सारी बातों को मैंने जो बताया था उसके कंसाइज करके बोल देता हूँ। कल मैंने बहुत डिस्कशन किया कि प्रॉफिट क्या, बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लाइबिलिटी कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी। लेकिन कैपिटल से कुछ खरीदते हैं कि कैश से खरीदते हैं, कैपिटल तो ऐसे देखा जाए तो यूजलेस है यार। अगर कैपिटल के अगेंस्ट में, मैंने ये कहा था कि लाइबिलिटी के अगेंस्ट में अगर एसेट्स नहीं है तो लाइबिलिटी का क्या करें, यू कांट डू एनीथिंग विद दिस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की इंपॉर्टेंस, लाइबिलिटी का वजूद जो है वो एसेट से बनता है, किससे बनता है, एसेट। अगर यहां पे एसेट है, और वो भी कौन सी एसेट, अच्छी एसेट्स जिसको बेच के पैसा मिल सके, फालतू वाली एसेट में अगर पैसा है तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। जब हम लाइबिलिटीज में देखते हैं, मान के चलो किसी एक कंपनी की बैलेंस शीट में टोटल ऑफ लाइबिलिटी 2000 करोड़ है, तो हमें पता है कि 2000 करोड़ की एसेट्स भी होगी और वो सब अच्छी एसेट्स होगी, ये मानते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होगी, फिक्टिशियस मतलब इमेजिनरी एसेट्स, फालतू एसेट्स नहीं होगी, सब एसेट से। हम एसेट को बेचेंगे तो 2000 करोड़ तो निकाल ही लेंगे, कितना निकाल लेंगे, 2000 करोड़। समझे मेरी बात को, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे आंसर करोगे आप, मुझे बताओ। जब भी प्रेफरेंसेस रिडीम करेंगे, मैंने कहा ना अभी एग्जांपल लिया, अभी जो एग्जांपल ले रहा हूं, मान के चलो कि इक्विटी शेयर कैपिटल यहां पे 20 लाख है, कितना है, 20 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 20 लाख, और आपका जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख। अब ये एग्जाम्पल को हम लेते हैं, तो कि जैसे ही हम प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे, क्या ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या खत्म हो जाएगी क्या आपकी, अरे यस और नो, मतलब बैलेंस शीट में जीरो होगी। मैंने एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश की थी कि सेक्शन 55 क्यों आया। जब तक ये बात नहीं समझ तो ठीक है ना, मैकेनिकल एंट्रीज तो कोई भी पास कर देता है, कौन सी बड़ी बात है यार। फाउंडेशन में, सीएस फाउंडेशन में यही था, यही टॉपिक था, सेम टॉपिक था, एंड आई कैन अश्योर यू मेजोरिटी फैकल्टीज आपको ये मैकेनिकल एंट्रीज पास करना ही सिखाती है, लेकिन कभी ये नहीं सिखाती कि सेक्शन 55 का लॉजिक क्या था। क्या टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट में 20 लाख के इक्विटी शेयर कैपिटल है, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से एक बार सुन लो, वापस एक बार लॉजिक क्लियर करता हूं। 20 लाख के इक्विटी शेयर कैपिटल है और 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो बताओ टोटल मिला के, टोटल मिला के क्या उसके पास 30 लाख की, 30 लाख की कैपिटल है। बिफोर रिडम्पशन कैपिटल कितनी थी, 30 लाख। मैंने टाटा मोटर्स को 12 लाख के गुड्स बेचे, 12 लाख के गुड्स बेचे क्रेडिट पे, 8 मंथ्स की क्रेडिट थी। जब मैंने उसको बेचे तो मैंने ये देख के बेचा, ये देखा तो मुझे क्या पता चला कि 30 करोड़, 30 लाख यहां पर है, तो क्या 30 लाख एसेट से भी होना चाहिए, अरे हाँ है ना, क्या मेरी पोजीशन सिक्योर्ड है। बीइंग अ क्रेडिटर्स माय पोजीशन इज सिक्योर्ड, व्हाई माय पोजीशन इज सिक्योर्ड, इफ जस्ट इन केस अगर कंपनी वाइंड अप हो जाती है, कंपनी गोज इन टू लिक्विडेशन, कोई भी रीजन की वजह से कंपनी अगर लिक्विडेशन में जाती है, वाइंड अप हो जाती है, तो इसका भी एक लीगल प्रोसेस होता है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन विद अ परपेचुअल सक्सेशन, तो उसका भी एक लीगल प्रोसेस होता है कि उसको वाइंड अप कैसे करते हैं, उसको लिक्विडेट कैसे करते हैं, तो उसको लिक्विडेट करने का एक लीगल प्रोसेस है, और वो लीगल प्रोसेस के थ्रू सबसे पहले पैसा मुझे मिलेगा। तो मुझे बताओ एटलीस्ट 30 लाख की एसेट तो बिकेगी, और क्या 30 में से के मुझे पहले 12 लाख मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते, अरे यस और नो, यू टेल मी माई पोजिशन इज सिक्योर्ड और नॉट, यस आई एम सिक्योर्ड, बट अचानक से मैंने क्या देखा, 3 महीने के बाद ये तो खत्म, यहां से जीरो हो गया, ये यहां से गया, इतना तो अकाउंटिंग नॉलेज है। कल कल जो डिस्कशन किया उससे ये पता चला कि ये गया तो पैसा भी गया। रिडम्पशन किससे होता है, रिडम्पशन किससे होता है। अब देखो टोटल कैपिटल बिफोर रिडम्पशन 30 लाख थी, आफ्टर रिडम्पशन कितना हो गया, 20 लाख। क्या मेरी नींद हराम नहीं हो जाएगी, मुझे रात को नींद नहीं आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अभी क्या पता ये भी खत्म हो जाए। नहीं समझे, इस पोर्शन को टच करने की अथॉरिटी कंपनी लॉ ने सिर्फ 3 सेक्शन में देके रखी है, 3 जगह देके रखी है, एक तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस सेक्शन 55, सेक्शन 68 बायबैक, एंड थर्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाला सेक्शन याद नहीं आ रहा है मुझे, सेक्शन 100 था पहले 1956 में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो वो 3 सेक्शन के अलावा वो भी कंडीशन फॉलो करके ये कैंसिल हो सकता है, अदरवाइज ये सेक्शन को टच, देखो ना आप सोचो यार, कंपनी के डायरेक्टर्स तो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, अगर ये सेक्शन को चेंज करने की अथॉरिटी डायरेक्टर के पास होती तो पैसा निकाल के कैपिटल कम कर देते, एक ही काम करते वो, पैसा निकालते हैं कैपिटल कम कर देते। लेकिन यहां टच करोगे तो इट विल ट्रीटेड एज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ, डायरेक्टर्स कैन गो बिहाइंड द बार,
सेक्शन 55 ने बोला है टच करो, कैंसिल करो, लेकिन जो हम कहते हैं उसको फॉलो करके करो। तो सेक्शन 55, अच्छा अभी समझ गए ना क्यों सेक्शन 50, ये ऑब्जेक्टिव क्यों लाया गया, सेक्शन 55 मेथड्स क्यों लाया, मेथड स्टैट्यूटरी मेथड लेके आया, और वही स्टैट्यूटरी मेथड फॉलो करके आपको रिडम्पशन करना होगा, वही स्टैट्यूटरी मेथड फॉलो करके आपको रिडम्पशन करना होगा। अदरवाइज अगर आप कोई भी मेथड फॉलो करोगे तो इट विल बी ट्रीटेड एज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ। और फर्स्ट मेथड का नाम है, फर्स्ट मेथड का नाम है उसका रिडम्पशन फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू। बोलो नाम क्या उसका, रिडम्पशन फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू, रिडम्पशन फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू। मुझे बताओ क्या ये सिचुएशन में 10 लाख की कैपिटल गई, बोलो है ना, ये गया तो लॉजिकली सोच के बताओ क्या दूसरी कैपिटल आ गई क्या, यस और नो। बैंक में पैसा आया तो बैंक से पैसा गया, मतलब कंपनी के बैंक पोजीशन पे भी कोई भी इंपैक्ट नहीं आई, जितना आया उतना गया, और एक कैपिटल कैंसिल हो गई तो दूसरी कैपिटल क्रिएट हो गई। तो अब मुझे बताओ टोटल कैपिटल बिफोर रिडम्पशन कितना था, ये रहा 30 लाख था ना, कितना था 30 लाख, तो क्या आफ्टर रिडम्पशन भी 30 लाख होगा क्या, ये बोलना क्यों बोलना है, अब समझ में आया क्या कि टोटल कैपिटल बिफोर रिडम्पशन शुड बी इक्वल टू टोटल कैपिटल आफ्टर रिडम्पशन। अगर ऐसा होगा तो इन द आईज ऑफ क्रेडिटर्स द पोजीशन ऑफ कंपनी रिमेन्स सेम एज बिफोर, एज बिफोर। उसको समझ में नहीं आएगा, उसको तो पहले भी कितना दिख रहा था 30 लाख, आज भी कितना दिख रहा है 30 लाख, वो तो अपनी पोजीशन सिक्योर समझेगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। उसको आज भी भरोसा है कि कंपनी वाइंड अप होगी तो भी मेरा पैसा क्या है, सिक्योर्ड है। फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर्स सेक्शन 55 लाया गया। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है लॉजिक, आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट क्लियर। तो अब मुझे बताओ मेथड नंबर 1 तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मेथड है, उसने तो मतलब क्लियरली बोल दिया। तो मुझे बताओ क्या मेथड नंबर 1 से एक कैपिटल जा रही है, अरे हाँ है ना, तो दूसरी कैपिटल आ रही है। क्या 10 लाख की कैपिटल गई तो क्या 10 लाख की कैपिटल आई, लेकिन सर जो गई वो तो प्रेफरेंस था, आई वो इक्विटी है, वो कंपनी पे चॉइस है, कंपनी की चॉइस है, कंपनी को कौन से शेयर इश्यू करना है, कंपनी को प्रेफरेंस करना है प्रेफरेंस करेगी, कंपनी को इक्विटी इश्यू करना है इक्विटी इश्यू करेगी, कंपनी को 10 रुपीज के शेयर इश्यू करना है कंपनी 10 रुपीज शेयर इश्यू करेगी, कंपनी को 100 रुपीज के शेयर इश्यू करना है 100 के शेयर इश्यू करेगी। लेकिन वो चॉइस किसकी है, कंपनी की, वो चॉइस किसकी है, कंपनी की, उस वो हमारा लुकआउट नहीं है। बस उतना ही लुकआउट है कि जितनी कैपिटल, जितनी फेस वैल्यू की कैपिटल जाएगी उतनी फेस वैल्यू की कैपिटल आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए समझ में आया, यस और नो, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, प्रॉपरली समझ में आ रहा है क्या। मेथड नंबर 1 हो गया, मेथड नंबर 2 पे आ जाओ फास्ट। एक बैलेंस शीट बनाओ पहले, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख। क्या यहां पे रिजर्व्स एंड सरप्लस की कैटेगरी भी आती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस की कैटेगरी में यहां पे लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताओ ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो लिख रहा हूं ये क्या होता है, समझाया पहले भी कहीं पे, ये क्या होता है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पे लिखा हुआ क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग। बोलो क्या होता है, पैट पे से प्रेफरेंस डिविडेंड जाता है, उसके बाद क्या बचता है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या यहां से इक्विटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्या, उसके बाद जो बचता है उसे क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग, और ये वाला अमाउंट है वो, समझ में आ रहा है। इसे रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये सरप्लस की कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी है, सरप्लस। आई यू बी गेट माई पॉइंट क्लियर। तो बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लिख दो आप 5 लाख, 6 लाख, कितना लिखोगे 6 लाख, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व यू कैन राइट अगेन 7 लाख, कितना लिखोगे 7 लाख, यहां पे लिखना कैपिटल रिजर्व, कौन सा रिजर्व, कैपिटल रिजर्व 5 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या लिखोगे आप, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख, ठीक है सफिशिएंट है। मेथड नंबर 2 लिखो आप, रिडम्पशन आउट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट, रिडम्पशन आउट ऑफ, बेटा मस्ती बिल्कुल नहीं,
डांट खाओगे आप। रिडम्पशन आउट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट। अभी देखो कितना कंफ्यूजन क्रिएट किया मैं, कल से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ रिडम्पशन किससे होता है, और सेक्शन 55 ने लिखा है रिडम्पशन प्रॉफिट से करो। किससे करो? प्रॉफिट से। क्या रिडम्पशन प्रॉफिट से पॉसिबल है? कैश के बगैर रिडम्पशन पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा लिखोगे यहां पे, इसका मतलब क्या होता है? दैट इज सरप्लस प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू सी आर आर, फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। बोलो फुल फॉर्म क्या है? नहीं, कैश रिजर्व रेशियो ना, सीआर का फुल फॉर्म आता है क्या? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। बोलो उसका फुल फॉर्म क्या है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। वेरी गुड। ये मेथड का एक और नाम भी है, टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर, टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर। ये मेथड का एक और नाम भी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ, मेरे लिखने के बाद बच्चे बोलते हैं। हाँ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ये उसका एक और नाम है। कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ओके, किसी को पता है सरप्लस प्रॉफिट का मतलब क्या था? जो मेरे से पढ़े वो नहीं बोलेंगे। सीएस फाउंडेशन जिससे मेरे से पढ़ा वो नहीं बोलेगा। सरप्लस प्रॉफिट, यस वर्खा, वर्खा ना कि वर्खा, वर्खा, यस। सरप्लस प्रॉफिट क्या होता है? सरप्लस प्रॉफिट मींस, करेक्ट है ये, एब्सोल्युटली राइट। प्रॉफिट नहीं, थोड़ा गलत था। आउट ऑफ विच कंपनी कैन ईश्वर कुछ बोला क्या? क्या बोल रहे हैं? सरप्लस प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट आउट ऑफ विच कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड। कोई बच्चा बता सकता है कंपनी कौन से प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर करती है? संस्कृति, कंपनी कौन से प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर करती है? करेक्ट है, करेक्ट है ना, लेकिन स्टिल कुछ स्पेसिफिक टर्म्स। नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी बोला होता है लायक। हाँ, कंपनी कंपनी जनरली, कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट से? रेवेन्यू प्रॉफिट। कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, जनरली कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर राइट ओमकार, जनरल रिजर्व। थैंक यू श्रुति मैम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस मतलब ये क्या है? रिटेन्ड अर्निंग। कौन सा अर्निंग? नहीं, रिटेन्ड अर्निंग नहीं, प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अर्निंग अवेलेबल टू
इक्विटी शेयर होल्डर्स, कुछ याद आ रहा है क्या आपको ये? अरे यस और नो, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद है टन 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 टन, हाँ एनी रिजर्व, अवेलेबल फॉर, any reserve available for distribution of dividend, any reserve available for distribution of dividend, any reserve available for distribution of dividend, okay, generally Shruti ma'am kyun itna bol rahi hai, सब ठीक ठाक है? जनरली कंपनी कैनॉट, डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ सिद्धि, साहिल कौन मस्ती कर रहा है? साहिल तू पहले से मेरी लिस्ट में है, मैं तुझे उड़ा दूंगा, ध्यान रखना। कौन सी लिस्ट? मतलब नलायकों की लिस्ट में तू सबसे पहला है। हाँ क्या लिख रहा था भी भूल गया। जनरली कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ओए नलायक, ये मयूर नहीं आया क्या? मयूरेश्वर कौन है? अच्छा पीछे है, ओके। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम एक्सेट्रा, बताओ रिडम्पशन करेंगे तो एंट्री क्या आएगी? रिडम्पशन करेंगे तो एंट्री क्या आती है? सेम एग्जांपल, सेम एग्जांपल, जो एग्जांपल पहले लिया था वही एग्जांपल वापस लिखो क्या? एग्जांपल 10% 10,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बेटा मुझे गुस्सा भी आता है, साहिल तू लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? नलायक इधर आ, तेरा बुक लेके आ, इधर नोटबुक लेके, इधर इधर लेके आ, कम यार कम यार फास्ट। हाँ ऑफ रुपीज 100 ईच, तो बताओ टोटल फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 लैक्स। हाय कर, नलायक ये सब कहाँ लिखा? सबके सामने इधर को मारता हूं। हाँ नलायक, अच्छा टेन परसेंट 10,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच लिखा क्या? आप लिख रहे हो कि सो रहे हो? इतनी शांति से कोई दिक्कत, मुझे डर लगता है। हाँ यादनेश, कौन यादनेश बोला के ये शांति में क्रांति करते, फालतू वाली बातें करता है। तुझे कोई दिख रही है क्या बाहर? तेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है बार बार। हाँ तो फिर अब तुझे टाइमिंग भी पता होगा कब भरता है कब खाली होता है। नहीं पता है वो,
अच्छा, रिडम्पशन की एंट्री, क्या रिडम्पशन होगा तो क्या कैपिटल कैंसिल होगा? कैपिटल कैंसिल होगा बेटा, कैपिटल जब क्रिएट करते हैं तो क्रेडिट होता है, जब शेयर इश्यू करेंगे तो कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो जब शेयर रिडीम करेंगे मतलब कैपिटल कैंसिल करेंगे तो क्या कैपिटल डेबिट होना चाहिए? करेक्ट है ना। जब प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया होगा तो एंट्री क्या पास की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो कैपिटल क्रेडिट हुआ। तो क्या आप रिवर्स एंट्री करेंगे? तो रिवर्स एंट्री मतलब शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर कैंसिल करना है तो क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए और बैंक से पैसा जाएगा? बैंक से पैसा जाएगा। तो लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट जनरली कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू। जनरली कौन सी वैल्यू? पेड अप वैल्यू इज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर, बट जनरली फेस वैल्यू। किसको पेएबल है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितना पेएबल है? 10 लाख। पेमेंट कर दो अब। ये फर्स्ट एंट्री ड्यू की एंट्री है। कौन सी एंट्री है? ड्यू। ड्यू का मतलब यहां पे पेएबल होता है। क्या होता है? पेएबल मतलब क्या? ये एंट्री से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10 लाख पे करना है, पेएबल है। अब पे कर दो नेक्स्ट एंट्री में। पे करोगे तो बिजनेस के पॉइंट भी सोचो, कैश इज गोइंग आउट, डेबिट दी रिसीवर। तो क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को क्या पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई कर सकते हो क्या? तो डेबिट दी रिसीवर एंड कैश इज गोइंग आउट, तो क्या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा क्या? अगर आप उसकी नेट इफेक्ट देख लोगे तो वही आती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। इसलिए रिडम्पशन का इनडायरेक्ट मीनिंग ये भी होता है, कैंसिलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर कैपिटल कैंसिल करोगे तो जितने अमाउंट की कैपिटल कैंसिल करोगे क्या उतने ही अमाउंट की क्या कैपिटल क्रिएट करना जरूरी होगा क्या? ये कौन कह रहा है? सेक्शन 55। बिकॉज सेक्शन 55 फोकसेस ऑन मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल एस्पेक्ट। आपका कैपिटल मेंटेन होना चाहिए। कैपिटल मेंटेन होना चाहिए उसका मतलब टोटल कैपिटल बिफोर रिडम्पशन शुड बी इक्वल टू टोटल कैपिटल आफ्टर रिडम्पशन। और टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स का सेक्शन 55 लाया गया क्या? ओके, नेक्स्ट एंट्री पास करो। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना? 6 लाख है। लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, टू CRR, प्रॉफिट एंड लॉस से कितना जाएगा? 6 लाख। ये कितना जाएगा? 4 लाख। ये कितना जाएगा? 10 लाख। तो क्या CRR को 10 लाख ट्रांसफर कर दिया क्या हमने? कितना ट्रांसफर किया? 10 लाख। ये एंट्री तो आती होगी, समझाने की जरूरत है क्या इसमें? अरे आती है ना, गुड। ओके, चलो मुझे मेथड नंबर टू पे एक डिटेल डिस्कशन है, बाकी तो डिस्कशन टॉपिक ही खत्म हो जाएगा मेथड नंबर टू के बाद। तो आपका प्लीज ध्यान देना फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स। मुझे बताओ प्लीज, ध्यान दोगे? लास्ट बेंच सुधा, मुझे डिस्कशन करना है। टॉपिक का नाम क्या है? अच्छा, रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर ऐसा टॉपिक क्यों नहीं है? क्योंकि वो परपेचुअल है। वो तो क्या है? परपेचुअल है, वो कभी रिडीम होते ही नहीं है। इसीलिए रिडम्पशन ऑफ इक्विटी इक्विटी शेयर करके कोई टॉपिक होता नहीं है। रिडम्पशन किससे? क्या विदाउट कैश रिडम्पशन पॉसिबल है? और मेथड नंबर टू ने कितना बड़ा कंफ्यूजन किया है क्रिएट, कि मेथड नंबर टू ने ही बोल दिया कि रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट और सरप्लस प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट से प्रॉफिट क्या है? एसेट्स है, लाइबिलिटी। कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी। तो क्या यहां बेटा आप ध्यान दोगे तो समझेगा आपको, क्या लाइबिलिटी से कुछ कर सकते हैं? क्या लाइबिलिटी से कोई पेमेंट होता है? तो प्रॉफिट से रिडम्पशन कैसे होगा? प्रॉफिट से रिडम्पशन कैसे होगा? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क। लेकिन उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन है, दैट इज सरप्लस प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू CRR। लेकिन पहले थोड़ा एक बैकग्राउंड मुझे बता दो, उसके बाद ये पॉइंट पे आता हूं, समझ जाएगा तुरंत। क्या जब भी हम प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करेंगे
तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल होगी, हाँ या ना? मैं आंसर करोगे कैपिटल कैंसिल होगी तो इन द आईज ऑफ क्रेडिटर्स पोजीशन ऑफ कंपनी बिकम्स रिस्की। तो जितने अमाउंट की अब कैपिटल में तो फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू होती है? मैं फेस वैल्यू बोल रहा हूं लेकिन वो अजम्पशन के साथ बोल रहा हूं कि वही पेड अप वैल्यू है। आपके आपके कैपिटल अकाउंट में किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देख लोगे तो फेस वैल्यू ही है। कौन सी वैल्यू है? फेस वैल्यू। अभी मैंने कहा ना IRCTC 10 रुपीज के शेयर्स को 290 रुपीज प्रीमियम पे इश्यू कर रहा है, तो मुझे बताओ जब भी वो उसकी कंपनी की बैलेंस शीट में जब इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा तो उसमें 10 रुपया ही होगा, बाकी का प्रीमियम तो कहां पे दिखेगा? अंडर दी हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम में। कहां पे दिखेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। आप समझे मेरी बात को? तो कंपनी के शेयर कैपिटल अकाउंट में तो फेस वैल्यू ही होती है। कौन सी वैल्यू होती है? फेस वैल्यू। वापस क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने से क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल होगी? जैसे ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल हो गई, क्या मान के चलो मैं ऐसे देख रहा हूं ये एग्जांपल के साथ, बताओ टोटल कैपिटल बिफोर रिडेम्पशन कितना था? मैंने टोटल पूछा है, टोटल पूछा है तो आंसर बराबर बोला है आपने, कितना था? 30 लाख। जैसे ही मैं प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करूंगा क्या ये 10 लाख चला जाएगा? क्या ये 10 लाख चला जाएगा? तो बताओ आफ्टर रिडेम्पशन कैपिटल कितना बचेगा? 20 लाख। क्या ये सही है कि गलत है? क्योंकि आपकी कैपिटल मेंटेन नहीं हो रही है। अब मेंटेन नहीं हो रही है अगर गलत क्यों है, अगर ये पूछा जाए तो आपने कैपिटल कैंसिल कर दिया, मतलब यहां से कैपिटल गया तो यहां से पैसा भी गया, तो क्रेडिटर्स तो परेशान हो जाएंगे ना। इन द आईज ऑफ क्रेडिटर्स कंपनी बिकम्स रिस्की, हाँ कंपनी बिकम्स रिस्की। तो ये सिचुएशन में सेक्शन 55 ने क्या कहा कि जितनी कैपिटल कैंसिल करो उतनी कैपिटल क्रिएट करो। अगर आप 10 लैक्स की फेस वैल्यू की कैपिटल कैंसिल कर रहे हो तो 10 लैक्स की फेस वैल्यू की कैपिटल क्रिएट कर दो। मेथड नंबर 1 वाज वेरी इजी एंड वेरी अपेरेंट, वेरी इजी एंड वेरी अपेरेंट। क्या अपेरेंटली क्या 10 लाख की कैपिटल जा रही है और 10 लाख की कैपिटल आ रही है? तो सेक्शन 55 सेटिस्फाई हो गया। हाँ, टोटल कैपिटल बिफोर रिडम्पशन 30 था, टोटल कैपिटल आफ्टर रिडम्पशन भी कितना है? 30 है। कैपिटल मेंटेन रही, क्या कैपिटल क्या हो गई? मेंटेन। In the eyes of creditors, the position of company is similar as earlier. Before redemption, जो position थी वही position after redemption है। I hope you connect my points. Second method ने मैंने इसीलिए इस बात पर ज्यादा focus किया कल कि redemption किससे? Cash। अगर कल मैंने आपको profit और cash में difference नहीं समझाया होता तो आज आप मेरी जान निकाल देते, आपको ये बात समझ में नहीं आती। एटलीस्ट आप अब यहां से कंफर्म हो गया कि प्रॉफिट से रिडम्पशन होता नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ना। आपको तो पैसा देना है, प्रॉफिट थोड़ी देना है। क्या प्रॉफिट दे दूंगा? प्रॉफिट लायबिलिटी कैसे दे सकता हूं मैं आपको? हाउ कैन आई गिव यू द लायबिलिटी? और प्रॉफिट तो लायबिलिटी में आता है, कहां पे आता है? लायबिलिटी में। कल मैंने आपको एक एंट्री बताई थी, जनरल रिजर्व क्रिएट करने की एंट्री क्या आती है? प्रॉफिट एंड लॉस बोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बोलो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड बोलते हो तो ये सोच के बोलते हैं, ये अजम्पशन के साथ बोलते हैं, ये प्रॉफिट के बाद वाला प्रॉफिट, सॉरी टैक्स के बाद वाला प्रॉफिट, मतलब अप्रोप्रिएशन वाला है। कौन सा है? ये अप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, बताओ 2 लाख का जनरल रिजर्व क्रिएट किया, एंट्री बोलो वापस, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बोलो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व, कितना पैसा गया? कितना पैसा गया? हाँ तो मैं वही पूछ रहा हूं, तू तो बोला 2 लाख गया, कितना पैसा गया? कुछ कैश आउटफ्लो हुआ ना? ये एंट्री से कोई भी कैश आउटफ्लो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहां पे कहीं पे कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ ही नहीं है, और जहां कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ वहां पे कौन सा कैश आउटफ्लो यार? जो जनरल एंट्री में कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होता है उसी से इनफ्लो होता है, जो जनरल एंट्री में कैश या बैंक अकाउंट क्रिएट होता है उसी से आउटफ्लो होता है। यह समझना बहुत जरूरी है सेकंड मेथड को समझने के लिए, इसलिए स्टार्ट करने से पहले एक बेस बना रहा हूं, बैकग्राउंड बना रहा हूं कि तुरंत समझ में आ जाए। यहां तक कोई दिक्कत? सेकेंड मेथड ने कह दिया रिडम्पशन आउट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट। अच्छा एक बात तो तय हो गई कि टोटल कैपिटल बिफोर रिडम्पशन शुड बी इक्वल टू टोटल कैपिटल आफ्टर रिडम्पशन, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? कोई भी कंफ्यूजन है क्या इसमें? ओके, रिडम्पशन आउट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट,
दैट इज सरप्लस प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर. इस पे बाद में डिस्कशन करता हूं, पहले सरप्लस प्रॉफिट के मीनिंग को समझते हैं. सरप्लस प्रॉफिट मीन्स सच प्रॉफिट आउट ऑफ विच कंपनी कैन डिक्लेयर दी डिविडेंड. सर कंपनी कौन से प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर करती है? जनरली कंपनी रेवेन्यू प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर करती है. बोलो कहां से प्रॉफिट डिविडेंड डिक्लेयर करती है? रेवेन्यू प्रॉफिट से. सर जनरली कंपनी कौन से प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर करती है? जनरली कंपनी रेवेन्यू प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर करती है. सर रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? The profit which has been earned during the normal course of trading. The profit which has been earned during the normal course of trading. अगर मैं कार डीलर हूं तो बताओ मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेडिंग मतलब मेरा मेन बिजनेस क्या है? कार्स खरीदना, कार्स बेचना. मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं तो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेडिंग क्या है? प्रॉपर्टीज खरीदना, प्रॉपर्टीज बेचना. मेरी मोबाइल शॉप ही है तो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेडिंग क्या है? मोबाइल्स खरीदना, मोबाइल्स बेचना. आई होप यू कनेक्ट माई पॉइंट. अगर मैं कार डीलर हूं तो क्या ईयर एंड में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा? तो जब भी ईयर एंड में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आप यहां पे परचेज लिखते हो? क्या आप यहां पे सेल्स लिखते हो? तो ये परचेज और सेल्स किसका होगा? फर्नीचर का, मशीनरी का, बिल्डिंग का कि कार्स का? नहीं समझे? अगर मैं कार डीलर हूं तो क्या खरीदूंगा? मेरे लिए गुड्स क्या है? नहीं नहीं बिल्डिंग गुड्स है. फर्नीचर गुड्स है. अगर मैं फर्नीचर डीलर हूं तो मेरे लिए गुड्स क्या है? आवाज नहीं आ रही. अगर मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं तो मेरे लिए गुड्स क्या है? प्रॉपर्टीज. आई होप यू गेट माय पॉइंट. ये सेल्स और परचेज ऑलवेज गुड्स का आता है. किसका आता है? गुड्स का. और गुड्स का मतलब होता है थिंग्स विच हैज बीन परचेज विद एन इंटेंशन टू रीसेल और थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स इन. बिजनेस में डील करता है उसे गुड्स कहते हैं. क्या कहते हैं उसे? गुड्स. नहीं समझे? क्या ईयर एंड में सेल्स करने से कुछ एक्सपेंस भी होंगे, क्या यहां पे प्रॉफिट आता है क्या? अरे यस और नो. इसे रेवेन्यू प्रॉफिट कहते हैं. कौन सा प्रॉफिट कहते हैं? रेवेन्यू प्रॉफिट. द प्रॉफिट, मैंने वही आपसे क्वेश्चन पूछा कि सरप्लस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है. सरप्लस प्रॉफिट मींस प्रॉफिट आउट ऑफ विच कंपनी कैन डिक्लेयर दी डिविडेंड. क्या यही नेट प्रॉफिट आपका पैट है? अरे हाँ, यस और नो. और रेवेन्यू, हाँ सर. नहीं, आगे मैंने लिखा है कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट. कौन से प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? रेवेन्यू प्रॉफिट. रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? द प्रॉफिट व्हिच हैज बीन अर्नड ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेडिंग. ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेडिंग. माई सिंपल क्वेश्चन, योर सिंपल आंसर. कोई भी बिजनेस का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या उसकी नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज को प्रेजेंट करता है क्या? अरे यस और नो. तो उससे जो प्रॉफिट आएगा क्या वो नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेडिंग ने जनरेट किया वाला प्रॉफिट है क्या? उसे रेवेन्यू प्रॉफिट कहते हैं. कौन सा प्रॉफिट कहते हैं? रेवेन्यू. क्या हम वहीं से जो इनकम स्टेटमेंट बनाया था, क्या हम वहीं से डिविडेंड डिक्लेयर करने की बात करते थे क्या? यस और नो. कोई भी कंफ्यूजन तो बताओ. सरप्लस प्रॉफिट का मतलब वापस बोलो. प्रॉफिट आउट ऑफ विच कंपनी कैन डिक्लेयर दी डिविडेंड. तो डिविडेंड कहां से डिक्लेयर होता है? जनरली कौन से प्रॉफिट से? रेवेन्यू प्रॉफिट से. और रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट विच हैज बीन अर्नड ड्यूरिंग इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेडिंग. आई होप यू कनेक्ट माई पॉइंट. जनरली कंपनी, अच्छा, रेवेन्यू प्रॉफिट के दो पॉपुलर एग्जांपल्स. नंबर वन जनरल रिजर्व एंड नंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जनरल रिजर्व कहां से क्रिएट होता है? पैट से ही ना. कहां से क्रिएट होता है? पैट से. कल एंट्री भी सिखाई तो वो तो प्रॉफिट का ही एक पार्ट है. किसका एक पार्ट है? प्रॉफिट का ही. नेट प्रॉफिट का ही एक पार्ट है, पैट का ही एक पार्ट है. आपको पता है जनरल रिजर्व में और प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी डिफरेंस है ही नहीं? अरे यस और नो. तो क्या जनरल रिजर्व भी क्या है? नहीं नहीं. प्रॉफिट जो पैट आया क्या वो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग से आया? यस और नो. क्या वहीं से जनरल रिजर्व निकला? तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ भी नहीं है. तो क्या ये दोनों रेवेन्यू प्रॉफिट की कैटेगरी है कि नहीं है? और जनरली कंपनी कहां से डिविडेंड डिक्लेयर करती है? रेवेन्यू प्रॉफिट. बोलो कहां से डिविडेंड डिक्लेयर करती है? रेवेन्यू प्रॉफिट. और दूसरा कोई भी रिजर्व अगर स्पेसिफिकली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है तो उसे भी रेवेन्यू प्रॉफिट कह सकते हैं, उसे भी सरप्लस प्रॉफिट. कौन सा प्रॉफिट कह सकते हैं? सरप्लस. डिस्कशन कहां से स्टार्ट हुआ? रिडम्पशन आउट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट. डिस्कशन कहां से स्टार्ट हुआ? रिडम्पशन आउट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट. और डिस्कशन ये स्टार्ट किया सरप्लस प्रॉफिट होता क्या है. सरप्लस प्रॉफिट मींस प्रॉफिट आउट ऑफ विच कंपनी कैन डिक्लेयर दी डिविडेंड. जो प्रॉफिट से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है उसे सरप्लस प्रॉफिट कहते हैं. तो सर जनरली कंपनी डिविडेंड कहां से डिक्लेयर करती है? रेवेन्यू प्रॉफिट्स. कहां से डिक्लेयर करती है? रेवेन्यू प्रॉफिट्स. सर रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब क्या? द प्रॉफिट व्हिच हैज बीन अर्नड ड्यूरिंग इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेडिंग. पैट. क्या आपका रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया क्या? क्या वहीं से जनरल रिजर्व क्रिएट होता है क्या आपका? क्या क्रिएट होता है आपका? जनरल रिजर्व. तो मुझे बताओ जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या है? रेवेन्यू प्रॉफिट की सरप्लस. चलो रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब सरप्लस प्रॉफिट.
की कैटेगरी का एक पार्ट है क्या? और कोई भी स्पेसिफिक, कोई भी रिजर्व जो स्पेसिफिकली क्रिएट किया गया है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उस रिजर्व को भी हम सरप्लस प्रॉफिट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सरप्लस प्रॉफिट। जब तक सरप्लस प्रॉफिट नहीं समझ में आएगा, आप आगे क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाओगे। सरप्लस प्रॉफिट समझा? बोलो क्या होता है? यहां लिखा है, यहां लिखा है, यहां लिखा है, यहां लिखा है, ये रहा, यहां लिखा है। बराबर से बोलोगे, सरप्लस प्रॉफिट मींस आउट ऑफ व्हिच कंपनी कैन डिक्लेयर द डिविडेंड। वापस बोलो, प्रॉफिट मींस प्रॉफिट आउट ऑफ व्हिच कंपनी कैन डिक्लेयर द डिविडेंड। कंपनी कहां से डिविडेंड डिक्लेयर करती है? पैट। अभी हम हमारी शॉर्टकट टेक्निक पे आ जाएगा। कंपनी कहां से डिविडेंड डिक्लेयर करेगी? पैट। क्या पैट ही रेवेन्यू प्रॉफिट है? क्या वहीं से जर्नलिज्म क्रिएट होता है? तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जर्नलिज्म क्या टू पॉपुलर कैटेगरीज ऑफ सरप्लस प्रॉफिट? अरे यस और नो? क्या वहीं से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं क्या सर? और कहीं से डिविडेंड डिक्लेयर होता है? हाँ, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड। एक सेकंड यार, मेरी कंपनी का प्रॉफिट आया 10 करोड़। कितना आया? 10 करोड़। मैंने उसमें से 2 करोड़ अलग कर दिया और डाल दिया डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड में। कहां पे डाल दिया? और डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड इज अ स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक रिजर्व फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो इससे भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। और जहां जहां से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, वो सब सरप्लस प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? सरप्लस प्रॉफिट। नहीं समझ रहे हो? आप मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या? जहां जहां से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, वो सब कौन सी कैटेगरी का पार्ट है? सरप्लस प्रॉफिट। आई होप यू कनेक्ट माई पॉइंट, क्लियर माई पॉइंट। कोई दिक्कत? ओके, तो बताओ, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, जनरली कंपनी कैनॉट डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर होता नहीं है। कैपिटल प्रॉफिट होता क्या है? अदर देन रेवेन्यू प्रॉफिट इज नोन एज कैपिटल प्रॉफिट। ओके, एक सेकेंड, यूनिक अकेडमी का मेन बिजनेस क्या है? टीचिंग सर्विस प्रोवाइड करना। तो क्या यूनिक अकेडमी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स नहीं होगा, लेकिन क्या फीस होगा? और यहां पे बहुत सारे एक्सपेंस होंगे, तो जो प्रॉफिट आया क्या उसे रेवेन्यू प्रॉफिट कहते हैं क्या? यस और नो? यूनिक अकेडमी ने 10 साल पहले एक बिल्डिंग खरीद के रखा था 10 लाख में, उसको आज बेच दिया 80 लाख में। कितने बेचा? 80 लाख। बताओ कितना प्रॉफिट हुआ? 70 लाख। क्या ये प्रॉफिट बिजनेस करने से हुआ? तो कैपिटल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? कैपिटल प्रॉफिट मींस प्रॉफिट व्हिच हैज नॉट बीन जनरेटेड ड्यूरिंग इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेडिंग। क्या बिजनेस करने से प्रॉफिट हुआ है? नहीं। तो ये कौन सा प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट। और जनरली कंपनी कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। नहीं समझ रहे? क्या कंपनी अभी IRCTC शेयर इश्यू कर रही है? क्या 10 रुपीज के शेयर को 290 रुपीज प्रीमियम पे इश्यू कर रही है? तो जो 290 रुपीज का जो प्रीमियम है, उसके लिए एडिशनल प्रॉफिट है, एडिशनल इनकम है। तो ये भी कौन सा प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट। कंपनी कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट, क्लियर? क्योंकि आपके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस में सारे रिजर्व्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सरप्लस है। ये क्या है? सरप्लस। मैं पहले भी 4-5 बार बता चुका हूं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हो रिजर्व्स एंड सरप्लस की कैटेगरी में, तो ये क्या होता है? अरे यार बोलो ना, रिटेन्ड अर्निंग। अभी कितनी बार बोलने का ना एक ही सेंटेंस को यार, ये क्या होता है? अब ये तो आपको समझ में आता है ना? तो ये सरप्लस जो बचा वो सरप्लस ना, सबको देने के बाद जो बच गया वो क्या है? सरप्लस। इसलिए रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखा गया है। और रिजर्व्स में क्या क्या आ जाता है? जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिवॉल्यूशन रिजर्व, दुनिया भर के सारे रिजर्व्स। लेकिन इन सारे रिजर्व्स में से सरप्लस प्रॉफिट कौन सा है? सरप्लस प्रॉफिट वही प्रॉफिट है जिससे हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो बताओ कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, हाँ है। जनरल रिजर्व है, हाँ है। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या डिविडेंड डिक्लेयर होता है? नहीं, क्योंकि वो सरप्लस प्रॉफिट की कैटेगरी का पार्ट नहीं है, वो कैपिटल प्रॉफिट है। क्या कैपिटल रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर होता है? नहीं। अच्छा आपको पता है कैपिटल रिजर्व क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास यूनिक अकेडमी के पास एक बिल्डिंग था, 10 साल पहले परचेज किया था, उसको आज 80 लाख में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 70 लाख। इसे कौन सा प्रॉफिट कहते हैं? रेवेन्यू प्रॉफिट या कैपिटल प्रॉफिट? ये बिजनेस करने से प्रॉफिट आया कि अदर देन बिजनेस आया? और कोई ये जनरली जितने भी कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं, वो सब कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर हो जाते हैं। कहां पे ट्रांसफर हो जाते हैं? कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर हो जाते हैं। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर किसी ने फाउंडेशन बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा उसको समझ में आएगा। क्या हम शेयर्स फॉरफिट करते थे फाउंडेशन में? अरे यस और नो? और फॉरफिट करके उसे रीइश्यू करते थे, और रीइश्यू करने के बाद क्या वो लॉस ऑन रीइश्यू रिकवर करते थे, और उसके बाद जो सरप्लस बचता था उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे? बाय अप्लाइंग द लॉजिक ये कैपिटल प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है? क्योंकि वो बिजनेस करने से आया नहीं था। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में अगर आपको कैपिटल रिजर्व दिखता है, तो मान लो कैपिटल प्रॉफिट होगा। कौन सा प्रॉफिट होगा? कैपिटल प्रॉफिट। नहीं समझ रहा मेरी बात?
ये एक ही, बस ये, अगर ये मेथड खत्म तो आपका टॉपिक खत्म, लेकिन ये मेथड समझा तो ही टॉपिक की रियलिटी समझेगी, अदरवाइज बाकी तो क्या टॉपिक में कुछ था ही नहीं, मैकेनिकली मैं कल ही खत्म कर सकता था उसको। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, मुझे बताना है कि ये रिजर्व या प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर होगा कि नहीं होगा। होगा तो हां बोलना, नहीं तो ना बोल देना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब ये सरप्लस प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, क्यों, वंडरफुल, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, कोई भी रिजर्व से नहीं हो सकता है। अगर नहीं, अगर क्वेश्चन कहता है कि ये रिजर्व है और उससे आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो तो फिर मान लो कर सकते हैं, फिर झगड़ा नहीं। डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड वो तो बनता ही उसके लिए, किसके लिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनता है, किसके लिए बनता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनता है। नहीं समझ रहे मेरी बातों को? ओके, अब ये समझ गया, तुरंत क्वेश्चन कनेक्ट करोगे। मुझे बताओ मेथड का नाम क्या है, रिडक्शन आउट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट। सरप्लस प्रॉफिट मींस आपको बोलना है, आपको बोलना है प्रॉफिट आउट ऑफ विच कंपनी कैन डिक्लेयर द डिविडेंड। करेक्ट, फीलिंग कनेक्ट हो रही है क्या? कंपनी कौन से प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? रेवेन्यू प्रॉफिट, क्या रेवेन्यू प्रॉफिट समझा क्या? प्रॉफिट विच हैज बीन अर्न ड्यूरिंग इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेडिंग। ये समझ में आ गया एग्जाम्पल के साथ? पॉपुलर एग्जाम्पल्स क्या है? जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एनी अदर रिजर्व अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। जनरली कंपनी कैनॉट डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। एग्जाम्पल्स क्या है? कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एक्सेट्रा। डन विद दिस। ओके, सेम एग्जाम्पल मैंने कहा ना, मेथड नंबर चाहे वन हो चाहे टू हो, रिडम्पशन ऑलवेज किससे होता है? रिडम्पशन ऑलवेज किससे होता है? कैश से। किससे होता है? कैश। मतलब रिडम्पशन की एंट्री में मेथड नंबर वन में और टू में कोई भी डिफरेंस आने वाला नहीं है। मुझे बताओ एंट्री क्या पास कर दी? बोलो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट एंट्री क्या पास की? मुझे बस एक 5 मिनट चाहिए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखना, मुझे अब लॉजिक समझाना है। बट कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा तो नहीं समझेगा। बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या पास की? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। मेरा क्वेश्चन आपका आंसर, मुझे बताओ क्या बैंक से पैसा गया? वंडरफुल। क्या ये एंट्री पास करने से, ये एंट्री पास करने से क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जीरो हो गया? यस और नो? टोटल कैपिटल बिफोर रिडम्पशन 30 लाख था, और मैंने यही कहा सेक्शन 55 का एक ही बात कहना है कि टोटल कैपिटल बिफोर रिडम्पशन अगर 30 है तो आफ्टर रिडम्पशन भी कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। टोटल कैपिटल बिफोर रिडम्पशन अगर 30 है तो आफ्टर रिडम्पशन भी कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। हमने नहीं, क्या हम मेथड नंबर वन फॉलो कर रहे हैं कि टू फॉलो कर रहे हैं? मेथड नंबर वन तो बहुत क्लियर था, हमने रिडम्पशन की एंट्री, मैंने कहा ना रिडम्पशन की एंट्री में चाहे वन फॉलो करो या टू फॉलो करो, रिडम्पशन की एंट्री में कोई भी डिफरेंस आता नहीं है। और ये एक बात तो एकदम तय है, एकदम क्लियर है कि रिडम्पशन ऑलवेज कैश से होता है। किससे होता है? कैश। विदाउट कैश रिडम्पशन पॉसिबल है ही नहीं। तो मेथड नंबर वन करो या टू करो, आपका तो ये एंट्री आने वाला है। लेकिन हम अब फ्रेश इश्यू नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन नहीं कह रहा है ना, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि रिडम्पशन प्रॉफिट से करो। रिडम्पशन किससे करो? प्रॉफिट से। क्वेश्चन का कहना ये है कि रिडम्पशन प्रॉफिट से करो, तो हम फ्रेश इश्यू कहां से कर सकते हैं? मतलब हम फ्रेश इश्यू नहीं कर सकते। मुझे बताओ, मैंने एक और एंट्री पास कर दी। क्या एंट्री पास कर दी? मुझे जितना भी नहीं बताओ, अब क्वेश्चन पूछ रहा हूं उस पे आंसर करना, कितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया? कितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया? आवाज नहीं आ रही है। कितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया? 10 लाख। इसमें कोई दिक्कत? जितना रिडीम हुआ उतना कैंसिल हुआ क्या? उतना ही क्रिएट होना चाहिए? कोई भी रिजर्व क्रिएट करने की एंट्री, रिजर्व प्रॉफिट के पहले या प्रॉफिट के बाद? कॉमन सेंस। मुझे सीआरआर क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? सीआरआर। सीआरआर का फुल फॉर्म है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। बोलो फुल फॉर्म क्या है? बच्चों आपको पता है जो भी आइटम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे लिखा जाता है उसका बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। जो भी आइटम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखा जाता है उसका बाय डिफॉल्ट डेबिट बैलेंस होता है। अभी मान लो मेरी बात को, जिसको नहीं समझ में आता वो मान लेंगे। जो भी आइटम को बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे लिखते हैं उसका बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। जरा दो वैल्यूज को ध्यान से देखना। बताओ मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस है? 6 लाख। जर्नलिज्म में कितना बैलेंस है? 7 लाख। मैं आपसे एक बात पूछूं, आप मुझे आंसर करना।
मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है. कौन सा अकाउंट बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो आप मुझे बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो मैंने कहा ना लाइब्रेरी साइड पे आता है और लाइब्रेरीज का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस. तो मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूंगा कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूंगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना आएगा? 7 लाख. 7 लाख ही था ना? कितना था प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस? कितना है? 6 लाख. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है? 6 लाख. तो बताओ मुझे अगर अकाउंट प्रिपेयर करना है तो लाइबिलिटीज का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस. तो मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. अग्रीड विद दिस? ओके. जनरल रिजर्व अकाउंट भी बनाना है. कौन सा अकाउंट बनाना है? जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व में बैलेंस कितना है बोलो? 7 लाख ना. तो क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्या 7 लाख लिख सकता हूं क्या? अग्रीड विद दिस? मुझे सीआरआर क्रिएट करना है. क्या क्रिएट करना है? सीआरआर. मुझे क्या क्रिएट करना है? सीआरआर. बताओ सीआरआर कितना क्रिएट करना है? 10 लाख. मुझे सीआरआर क्रिएट करना है 10 लाख. अच्छा, ये बात भी बताऊंगा कि सीआरआर में कौन सी वैल्यू ट्रांसफर होती है. मान के चलो मुझे 10 लाख का सीआरआर क्रिएट करना है. सीआरआर का फुल फॉर्म कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. कोई भी रिजर्व क्या प्रॉफिट और जनरल रिजर्व से क्रिएट हो सकता है क्या? तो बताओ मेरे मुझे सीआरआर क्रिएट करना है तो मैंने 6 लाख कहां से उठा दिया? प्रॉफिट एंड लॉस से. तो क्या ये 6 लाख डेबिट हो जाएगा क्या? 6 लाख था तो 6 लाख ले लिया तो क्या ये 0 हो गया? यस और नो? बताओ बचा कितना? 10 के लिए क्या 4 बच गए? तो बाकी का 4 कहां से ले रहा हूं? जनरल रिजर्व. तो क्या जनरल रिजर्व ने 4 ले लिया क्या? तो उसकी एंट्री क्या आएगी बोलो फास्ट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने से? 6 लाख. क्या डेबिट हुआ है 6 लाख से? बताओ जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से? 4 लाख. और मैंने ये 4, 6 और 4, 10 कहां पे? अरे 6 और 4 10 कहां पे ट्रांसफर कर दिया? मैंने 10 कहां पे ट्रांसफर कर दिया? सीआरआर. आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट क्लियर. मैंने 10 कहां पे ट्रांसफर किया? सीआरआर. यहां पे मैंने कितना लिखा था? 4 लाख. बच्चों इससे कितना कैश आउटफ्लो हुआ? बोला किसने तो बोला ही होगा 10 लाख. कोई तो होगा ही होगा. क्या ये एंट्री से 10 लाख गया? 10 लाख गया? कुछ भी नहीं गया. एक मिनट, मुझे और एक 5 मिनट चाहिए. आपको ध्यान सुनना है, मैंने कनेक्ट नहीं किया अब तक. अरे छोड़ दूं क्या? मुझे बताओ ये एंट्री मैंने पास की. ए तू एक काम कर, तू जा. ये क्या तुझे देख देख के ना पता नहीं. हाँ क्या 10 लाख आया? ये पूरी आज के लेक्चर का यहीं पे रामायण थी सब. ध्यान सुनोगे क्या 10 लाख? लेकिन एक ही बात समझानी थी इसलिए कल वो बात समझा दी थी. क्या जनरल रिजर्व क्रिएट किया था तो एंट्री क्या आई थी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व. मैंने वहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया था कोई कैश आउटफ्लो हुआ? यहां पे भी कोई कैश आउटफ्लो हुआ? नहीं हुआ. अब बस आप मुझे ये बात बताओ, मैंने कल से ये बताया है कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स सेक्शन 55 एम्फसाइजेस ऑन मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल एस्पेक्ट. मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल एस्पेक्ट मींस टोटल कैपिटल बिफोर रिडम्पशन शुड बी इक्वल टू टोटल कैपिटल आफ्टर रिडम्पशन. मेथड नंबर 1 वाज वेरी अपेरेंट एंड वेरी क्लियर. तो वहां पे कंफ्यूजन का स्कोप नहीं था कि एक गया तो एक आया. लेकिन मेथड नंबर 2 ने बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा हुआ है. मुझे बताओ क्या कैपिटल गई? लेकिन कैपिटल दूसरी आई तो नहीं? दूसरी कैपिटल आई तो नहीं? तो क्या सेक्शन 55 सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, जिसको मेरे से पढ़े वो आंसर नहीं देंगे. सेक्शन 55 सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ? जो मेरे से पढ़े वो आंसर नहीं देंगे. कैसे हुआ? बोलो सिखाया तूने? गुड, वेरी गुड आंसर. इट्स अ गुड आंसर. एक सेकेंड, क्या हमने, अच्छा पहले मुझे तो सीआरआर क्रिएट किया. सीआरआर क्रिएट किया तो ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या 0 हो गया? क्या जनरल रिजर्व में 7 था, 4 तो चला गया, तो बचा कितना? 3. और बाकी का ये 10 क्या सीआरआर? क्या यहां पे 10 लाख आ गया क्या? इससे सिर्फ उतना हुआ कि एक पॉकेट से पैसा निकल के दूसरे पॉकेट में ट्रांसफर हो गया और वो फंड का एक नाम दे दिया हमने. और फंड का नाम क्या है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. आपने एकदम सही बात बताई. सीआरआर का एज पर कंपनी लॉ एक ही यूटिलाइजेशन है, टू इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स. इससे सिर्फ बोनस शेयर्स ही इश्यू हो सकते हैं और कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है. सुनो मेरी बात को ध्यान से. एक बात मैंने कहीं पे बोली भी होगी लेकिन समझ लो कि जब भी कोई शेयर इश्यू करते हैं, चाहे वो कंसिडरेशन अगेंस्ट कैश हो, चाहे वो कंसिडरेशन अदर देन कैश हो,
चाहे वो फ्री शेयर्स हो, एक ही अकाउंट क्रेडिट होता है और अकाउंट का नाम है शेयर कैपिटल। नाम क्या है उसका? शेयर कैपिटल। आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता तो ध्यान से सुन लो कि बोनस शेयर सिर्फ रियल शेयर होल्डर्स को देते हैं, बोनस कभी प्रेफरेंस को देते हैं नहीं है। क्यों नहीं देते हैं मुझे बताओ? मार्केट कैप नहीं, एफएम का सेंटेंस टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, और वेल्थ को डिसाइड करने वाले कौन से शेयर होल्डर्स हैं? प्रेफरेंस नहीं है। जब मार्केट कैप की बात करते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं, तो कौन से शेयर होल्डर्स की बात करते हैं? इक्विटी की। हम प्रेफरेंस की बात नहीं करते हैं, लेकिन बोनस मतलब फ्री शेयर्स। बोनस मतलब कौन से शेयर्स? फ्री शेयर्स। और फ्री शेयर्स देने के लिए कंपनी के पास तो रिजर्व होना चाहिए। कंपनी बोनस हर जगह से दे सकती है, कंपनी बोनस प्रॉफिट एंड लॉस से भी दे सकती है, जनरल रिजर्व से भी दे सकती है, कैपिटल रिजर्व से भी आ सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से भी आ सकता है। सीआरआर इज द वन ऑफ द सोर्स टू डिक्लेयर द बोनस। लेकिन इनके सबके मल्टीपर्पज हैं, इनके पर्पज बहुत सारे हैं, लेकिन सीआरआर का मल्टीपर्पज है कि ओनली वन पर्पज है? टू इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। मुझे बताओ, कंपनी जब भी शेयर्स इश्यू करेगी, चाहे वो कंसिडरेशन अगेंस्ट कैश हो, चाहे वो फ्री शेयर्स हो, चाहे वो कंसिडरेशन अदर देन कैश हो, एक ही अकाउंट क्रिएट होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। फ्यूचर में कंपनी अगर 10 लाख के बोनस शेयर्स इश्यू कर रही है, तो मुझे सोच के बताओगे एंट्री क्या आएगी? क्या ये सीआरआर रहेगा कि चला जाएगा? कॉमन सेंस है ना, अगर आपने बोनस इश्यू कर दिया तो सीआरआर तो खत्म होना चाहिए, और लायबिलिटी में आ गया सीआरआर, और तो सीआरआर का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। तो क्या 10 लाख है, तो क्या 10 लाख अगर बोनस इश्यू करेंगे तो क्या चला जाएगा क्या आपका? तो सीआरआर तो जीरो हो जाएगा। तो क्या सीआरआर डेबिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और क्रेडिट क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। जब मैं बोनस शेयर सिखाऊंगा तो उसकी एंट्री बता दूंगा, लेकिन ये एंट्री भी मान लो। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या सीआरआर आया और क्या सीआरआर चला गया? सीआरआर आया और सीआरआर चला गया। तो एट द एंड क्या ये जो प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व है, क्या वो इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया? क्या कहां पे ट्रांसफर हो गया? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो क्या आपकी बैलेंस शीट में क्या ये जो सीआरआर है, ये आज नहीं तो कल क्या इक्विटी शेयर कैपिटल में ही कन्वर्ट होगा क्या? अरे यस और नो। तो कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट में अगर सीआरआर दिख रहा है, तो क्या दैट इज इक्विवेलेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल है? कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट में अगर आपको सीआरआर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सीआरआर, दैट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अरे यस और नो, क्योंकि ये आज नहीं तो कल एक ही जगह पे जा सकता है, इक्विटी शेयर कैपिटल में जा सकता है। उसका एक ही पर्पस है, कौन सा पर्पस है? टू इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। और जब भी शेयर इश्यू करेंगे तो सीआरआर खत्म होगा, जीरो हो जाएगा, और वो अमाउंट कहां पर चला जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल में। इसीलिए ये मेथड का एक और नाम क्या था? कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। क्या प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स था? तो सर ये लॉ सेक्शन 55 ने ये सीआरआर क्रिएट करने का प्रोविजंस क्यों रखा? प्रॉफिट एंड लॉस में भी होता, जनरल रिजर्व भी होता, तो वहां से भी तो हम बोनस इश्यू कर ही सकते हैं, तो उसको सीआरआर में क्यों ट्रांसफर किया? इतनी मगजमारी क्यों कर रहे? पहले सीआरआर में ट्रांसफर करो, फिर बोनस करो। डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व से बोनस में क्यों डाल, इक्विटी शेयर कैपिटल क्यों नहीं डाल दिया? उसका मेन रीजन ये था क्योंकि प्रॉफिट और लॉस और जनरल रिजर्व में होता तो कोई भी पर्पस के लिए यूज हो सकता था। उसको फ्रीज कर दिया। क्या कर दिया? फ्रीज। अगर वो सीआरआर में चला गया तो क्या उसका जो यूटिलाइजेशन था, क्या वो वेरी रिस्ट्रिक्टेड हो गया? ओनली वन पर्पस, बोनस शेयर्स। उसके अलावा अगर यूज किया तो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ। नहीं समझे? इसीलिए सीआरआर में ट्रांसफर करना जरूरी था। अब सीआरआर से बोनस में जाए तो जाए, नहीं तो इक्विटी शेयर कैपिटल में जाए तो जाए, वरना ना जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हमें पता है कि सीआरआर इज इक्विवेलेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट। तो क्या सेक्शन 55 वापस सेटिस्फाई हो गया? इन द आईज ऑफ क्रेडिटर्स पोजिशन ऑफ कंपनीज रिमेन सेम एज बिफोर। नहीं समझे मेरी बात? आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट क्लियर। अब बताओ ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है? रिडम्पशन आउट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट से रिडम्पशन करना है कि प्रॉफिट से सीआरआर को ट्रांसफर करना है? क्योंकि अगर प्रॉफिट से सीआरआर को ट्रांसफर नहीं करेंगे तो आपका रिडम्पशन कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि रिडम्पशन किससे? यही समझाना था, यह समझाने के लिए कल से मगजमारी कर रहा हूं। ये जब आपने ये एंट्री पास की, कौन सी एंट्री पास की? ये वाली जब एंट्री आपने पास की, तब ये सेंटेंस का मीनिंग समझ में आया कि रिडम्पशन आउट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट। क्योंकि रिडम्पशन तो कैश से होता है, पहली दो एंट्री से रिडम्पशन हो गया, पहली दो एंट्री से रिडम्पशन हो गया, लेकिन हमने यहां पे, हमें यहां पे फ्रेश इश्यू करना नहीं था, तो कैपिटल तो क्रिएट करनी पड़ेगी,
तो कैपिटल क्रिएट करनी पड़ेगी, तो क्या हमें सीआरआर क्रिएट करना जरूरी था? अरे यस और नो। इसीलिए रिडम्पशन आउट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट का लिटरल इंटरप्रिटेशन है दैट इज सरप्लस प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर। आप सरप्लस प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आउट ऑफ विच कंपनी कैन डिक्लेयर दी डिविडेंड। क्या कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जनरल रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? यस yes. तो क्या वहां से सीआरआर को ट्रांसफर हो सकता है? यस yes. और सीआरआर को ट्रांसफर हुआ तो आपका सेक्शन 55 बैलेंस सेटिस्फाई हो गया। मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल एस्पेक्ट, टोटल कैपिटल बिफोर रिडम्पशन शुड बी इक्वल टू टोटल कैपिटल आफ्टर रिडम्पशन। दिस इज इट। डाउट या कंफ्यूजन समझ में? यस, आवाज नहीं आ रही है, आएगा कल आएंगे। कॉम्बिनेशन बोथ दी मैथड्स, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, कल आऊंगा उस पर। कॉम्बिनेशन बोथ दी मैथड्स, 10 लाख है, 10 सेकंड, 10 लाख की कैपिटल कैंसिल करो, 10 लाख लेके आओ। अब 10 लाख फ्रेश इश्यू से लाओ या सीआरआर से लाओ या दोनों कंबाइन करके लाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मैं कल सारे वेरिएशन बताऊंगा, वो दोनों के वेरिएशन बताऊंगा, पहले एक बेसिक आइडिया दे दिया। तो कल तो जैसे लिखूंगा वैसे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलो आज के दिन के लिए काफी।